हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियोस। और तो कैसे आप लोग, आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और तहे दिल से वेलकम है। और 10 दिन के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोगों को बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ। क्या पता है आप लोगों को, रिसर्च करके, जो कि आप लोग ब्लॉग देखते हो मेरा, और मैं सोचा कुछ आज यूनिक लिया जाए 10 दिन के बाद, तो आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ। पहले आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो वीडियो पहले डालू आप लोगों को मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग क्या है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्या आप लोगों को, ध्यान से बने रहिए इस वीडियो पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को पता है इंडिया में आईफोन का क्रेज़ कितना है? बहुत ही ज़्यादा। जैसे हम लोगों, यंग जनरेशन के लड़के लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, आईफोन का जो क्रेज़ है ना, 2 कैमरे वाला, 3 कैमरे वाला, आप लोगों को बता दूं, अभी इंडिया की फ़िलहाल में ही पूरा रिसर्च हुआ कि इंडिया में आईफोन लेने वाले कितने कैश में हैं, कितने हार्ड में हैं, मतलब ईएमआई पे हैं। टोटल इंडिया में जितने भी हैं ना, ये यंग जनरेशन वाले, टोटल मेरे जैसे लड़के, गर्लफ्रेंडों को दिखाने के लिए, ये सब करने के लिए, उन्होंने और बाकी अदर सब मिला के 70%, ये जो है ना आईफोन लोन पे लेने वाले 70% है, बाकी अदर जो है ना कैश पे लेते हैं। ये आप लोगों को दिखा दूँ, ये है ना, जो ये कैमरा, ये ओरिजिनल फ़ोन है, और ये लोगों के चक्कर में सब लोग आईफोन का एकदम क्रेज़ बढ़ा रखा है यार। तो आप लोगों को इस आईफोन के चक्कर में ना, लोग इतने बेताब है, इतने परेशान हैं, आप लोगों को क्या ही बताएं यार। और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा आईफोन बिकने वाला देश बन गया है, जो कि यहाँ पे 70% लोग लोन पे ले रहे हैं फ़ोन। तो क्या ये चीज़ें आप लोगों को पता है, कहाँ जा रहा है भविष्य? ऐसे यंग जनरेशन वाले सिर्फ हेलो यहाँ पे दिखता है, दो कैमरा वाला फ़ोन। तो आप लोगों को यही बताने आया था इस वीडियो में। तो कैसी रही ये वीडियो, ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या ये सच है 70% इंडिया में लोग ईएमआई पे ले रहे हैं क्या फ़ोन? तो आप लोग भी सर्च करिएगा और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। तब तक